नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला बढ़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को आरोपी बनाया है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नवबस्ता इलाके में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। हालांकि उसके समर्थक उसे छुड़ा कर ले गए थे। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम दर्ज है। उसके खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसे 34 मुकदमे चल रहे हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन एक निजी गेस्ट हाउस में मनाया जा रहा था। जन्मदिन के कार्यक्रम में शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी। नौबस्ता थाने की पुलिस टीम भाजपा नेता के कार्यक्रम में पहुंची। साउथ कानपुर की डीसीपी रवीना त्यागी ने कहा कि मनोज सिंह को छुड़ाने वाले सभी बदमाशों की पहचान कर ली गई है। वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी लामबंद दिखाई दे रहा है। लगातार नेता और अपराधियों का जो ये गठजोड़ है वो अक्सर सामने आता रहा है, लेकिन इस तरह से किसी अपराधी को कोई नेता और उनके संबंधित जो उनके साथी है वो छुड़ाने पुलिस की गिरफ्त से पहुंच जाते हैं, ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा मामला पहली बार सामने आया है, लगातार ये तो देखने को मिला है कि अपराधी और नेता की जो साठगांठ है वो शुरुआत से हमेशा चलती आई है, लेकिन इस तरह से खुलेआम एक हिस्ट्री शीटर को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना, उसके बाद उसको पुलिस के चंगुल से छुड़ाना। देखिए, दरअसल वहां पे जो एक कार्यक्रम चल रहा था कानपुर के नवस्था थाना के अंतर्गत उस्मानपुर में, तो ये एक निजी कार्यक्रम चल रहा था और उसमें जिस हिस्ट्री शीटर की बात हो रही है कि मनोज सिंह हिस्ट्री शीटर, जिस जो कि 25,000 का इनामी बदमाश है और इस पे लूट डकैती जैसे कई सारे संगीन मामले भी दर्ज हैं, ये भी वहां पर आया हुआ था। लेकिन चूंकि ये कई लोग वहां पे उसके परिचित थे, ऐसे में किसी को भी ये नहीं पता था कि पुलिस को किस मामले में गिरफ्तार कर रही है, क्या मामला है, क्या है। पुलिस ने कोई विश्वास भी नहीं दिया और किसी को ये नहीं पता था उसमें से कि ये हिस्ट्री शीटर है, इसलिए पुलिस को पकड़ रही है। ऐसे में बाकी जब 2-4-5 लोग उसको, जो उसके ही साथ के लोग थे, जब उसको बचाने लगे, ऐसे में वहां पे जो बाकी भीड़ थी वो भी उसने उनको बचाने का प्रयास किया, ये जानकारी में आ रहा है। लेकिन जहां तक बात आ रही है कि नारायण सिंह भदौरिया जी, जो कि कानपुर के दक्षिण के जिला मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम था और उन्होंने बचाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उनको जो है उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आप तो सिरे से जिला मंत्री के पक्ष में बोलते हुए नकार रहे हैं कि उन्होंने बचाने का प्रयास ही नहीं किया, उनके जन्मदिन में हालांकि पहुंचे थे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी, सपा के विधायक अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका भी। केसी जैन, मैं आपसे एक सवाल कर रही थी और मैं आपसे लगातार पूछ रही हूँ, आपने जिस तरह से जवाब दिया कि जिला मंत्री वहां छुड़ाने ही नहीं पहुंचे थे, ये तो आप सिरे से इसको नकार रहे हैं। जी जी, देखिए बात सिर्फ नकारने की नहीं है। वहां पे जो मनोज सिंह वहां उपस्थित था और पुलिस अचानक वहां पे जिस तरीके से बिना लोगों को विश्वास में लिए और उसको ले जाने लगती है, तो उसके जो साथ के 4-5 लोग थे उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया कि पुलिस जबरन इसको पकड़ ले जा रही है और इसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे में जो वहाँ की आसपास की भीड़ थी वो भी उसको छुड़ाने में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले विपक्ष इस वक्त हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जो है वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। अमिताभ जी, आपका आपको क्या लगता है, जो केस जो सामने आया और उस पर जिस तरह से केसी जैन जी ये सरे से नकार रहे कि वहां पे जिला मंत्री मौजूद नहीं थे और उनका समर्थन नहीं मिला, आपको क्या कहना है? मेरा कहना है पुलिस के काम पुलिस को करने देना चाहिए, पुलिस जांच करेगी, अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच पुलिस कर ले। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने लोगों को बचाने के लिए जो लगातार गुंडागर्दी पे आमादा है, सारे फैसले खुद कर लेते हैं। जब बड़े नेता बयान देते हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट हो जाती है। और आज स्थिति ये हो गई, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पब्लिक को मार रहे थे, फिर ये थाना चौकी के अंदर घुस करके मार रहे थे, इनके विधायक झूठे मुकदमे लिखा रहे थे कि मेरा ऊपर हत्या का प्रयास हो रहा है, पुलिस फर्जी कट्टे लगा रही थी, और अब तो ये पुलिस की कस्टडी से भी नामजद अभियुक्तों को छुड़ा के ले जाने की हिम्मत रखते हैं और जो नेता उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, इनका कहना कुछ और होता है और इनका कहना करना कुछ और होता है।
तो मेरा ये कहना है कि पुलिस को उनका काम निर्भीकता से और साहस से करने दिया जाए, उसमें रोड़ा ना बना जाए। पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा कौन मौके पे था, कौन नहीं था, क्या परिस्थितियां थी, आगे क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गुंडागर्दी करने की जरूरत पड़ी। तो ये फैसला पुलिस को करने दिया जाए, उन पर दबाव ना बनाया जाए। उनको मंत्री पद से हटा दिया गया और लगातार कार्रवाई करने में किसी तरह से बीजेपी के द्वारा कोई बाधा तो नहीं डाली जा रही है अमिताभ जी? नहीं, मंत्री पद से हटा दिया नहीं, उनका अंदर का मामला है वो, कि उनको जाके पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज बनाते मेरी बला से। हमारा मामला जनता से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का अपराध हो रहा है जहाँ इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस से सीधे हमला करने की हिम्मत, पार्टी को क्या कार्रवाई करनी उससे हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए इसको जरूर जनता जानना चाहती है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर आखिर कानून का राज चलेगा कि किसी की भी गुंडागर्दी का राज चलेगा, ये हम जानना चाहते हैं। उनकी पार्टी के अंदर वो किसी पद पर रखते हैं, किसी पद से हटाते हैं, वो गुंडे माफियाओं को रखना चाहते हैं वो रखते हैं। उनके यहाँ तो भ्रष्ट मंत्री जो अपने भाई की नौकरी ईडब्ल्यूएस कोटे में लगवा देते हैं वो भी मंत्री बने हुए हैं, तो उनका क्या होता है इस पर हमारा कहना नहीं, लेकिन हमारा कहना जरूर है कि जनता में संदेश जाए पुलिस निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है और किसी सत्ताधारी दल से जुड़े होने कोई दबाव पुलिस पर नहीं पड़ रहा है, ऐसी कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए। केसी जैन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई में किसी तरह से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और दूसरा जिला मंत्री के पद से उन्हें हटाया गया, तो आप तो कह रहे कि वो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उन्हें जिला मंत्री के पद से क्यों हटाया गया अगर वो मौजूद नहीं थे और इसमें आपराधिक वो नहीं थे, वो साथ नहीं दे रहे थे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मौजूद नहीं थे, नारायण सिंह भदौरिया जी वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नारायण सिंह भदौरिया जी कहीं पर भी उनको बचाने के लिए नहीं पहुंचे थे। जो मनोज सिंह हिस्ट्री शीटर है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नहीं पहुंचे थे तो उन्होंने समर्थन भी तो नहीं दिया पुलिस को उनकी कार्रवाई करने में। केसी जैन जी, अगर उन्होंने बचाना नहीं अनुचित समझा तो उनको वो सहयोग दे देते पुलिस को, अगर वो लेके जा रहे थे उनके जन्मदिन की पार्टी में इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर मौजूद होता है। देखिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पे मौजूद है और उसके साथ के लोग उसको बचा रहे हैं बिना पूरे मामले को जाने, कोई व्यक्ति उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? मुख्य बात यह है कि नारायण सिंह भदौरिया का उनको रोकने में कहीं पे कोई रोल नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर जिस प्रकार से किया गया है, केसी जैन जी, वीडियो वायरल होने के बाद कई नेताओं को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, नारायण सिंह भदौरिया पर भी कई मामले दर्ज हैं, उनके ऊपर भी आपराधिक केस चल रहे हैं। नहीं देखिए, जिसके ऊपर जो मामले हैं वो तो पुलिस जांच का विषय है, पहली बात पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और किस कंडीशन पे केस है, क्या है, कोर्ट में केस पेंडिंग है और अभी उसमें चार्जशीट दाखिल हुई है नहीं दाखिल हुई है या मामला कंप्लेंट केस का है, ये तो पुलिस के जांच का विषय है। लेकिन जहां तक बात है मनोज सिंह के बारे में, तो मनोज सिंह को पुलिस गिरफ्तार करेगी और जिन लोगों ने भी उसको छुड़ाया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। पार्टी की जो नीति है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सीधे सीधे दिशा निर्देश है कि कोई भी अपराधी बाहर नहीं बचना चाहिए। एक्शन तो ठीक है, लेकिन आप ये साफ कह रहे हैं कि वो तो थे ही नहीं मौजूद, आप तो सरे से इसको नकार रहे हैं कि उन्होंने तो समर्थन दिया ही नहीं, उन्होंने तो बचाया ही नहीं, आप तो झुकला रहे हैं। घटनाक्रम में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज हो गई है और कार्रवाई हो रही है। किसी जैन जी, बकायदा चिन्हित किया गया है नाम नारायण भदौरिया का, नाम बकायदा चिन्हित किया गया है। उनके साथ ही बीजेपी नेता राजवल्लभ पांडे को भी चिन्हित किया गया है, विकास तिवारी, रॉबिन सक्सेना, ये तमाम नाम हैं जो वहां समर्थन दे रहे थे उनको छुड़ाने पे। एक लंबी फेरिस्त है इस पूरे नामों की। देखिए हमने आपसे बताया कि मनोज सिंह के साथ के लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने बिना विश्वास में लिए वहां पे एक्शन लिया और ऐसे में मनोज सिंह और मनोज सिंह के साथ के लोगों ने विरोध किया और इस तरीके का वहां पे भ्रम फैलाया जिससे कि उसके पक्ष में, मनोज सिंह के पक्ष में वहां की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन मनोज सिंह पे कार्रवाई होगी, मनोज सिंह गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे और जो लोग भी मनोज सिंह के साथी थे जो भ्रम फैला रहे थे और जो बचाने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रही बात नारायण सिंह भदौरिया जी की, गुंडा राज खत्म करने की बात करी थी योगी सरकार ने कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, लेकिन जब आप ऐसे हिस्ट्री चीटर को जिसके ऊपर 34 से अधिक मामले दर्ज हो और वो आपके बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है, उसको जब पुलिस लेने पहुंचती है तो आप बचाने पहुंच जाते हैं आपके समर्थक जो है, तो क्या लगता है गुंडा राज खत्म हो गया? विपक्ष तो जो कह रहा है फिर वो सही साबित होते हैं सारे आरोप? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी किसी भी अपराधी की पैरवी ना तो करता है ना तो बचाने का प्रयास करता है।
यहाँ पे भ्रम फैलाया और भ्रम फैलाया मनोज सिंह के, मनोज सिंह अगर हिस्ट्री शीटर है, आप भी बता रही हैं, पुलिस भी बता रही है, हम भी बता रहे हैं हिस्ट्री शीटर है। जो वीडियो सामने आ रहा है वो बात आपके बातों से बिल्कुल विपरीत है, जिस तरह का वीडियो हमें देखने को मिला। अकेला तो जाएगा नहीं ऐसा अपराधी, अगर उसके साथ 10-5 लोग हैं और उन 10-5 लोगों ने पुलिस का पहले विरोध किया और अपने पक्ष में वहाँ पे माहौल बनाने का काम किया, ऐसे में वहाँ की जो जनता थी उन्होंने वहाँ पे विरोध किया और बिल्कुल उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और जिन भी लोगों ने, केसी जैन जी, मैं अमिताभ वाजपेयी पे आना चाहूंगी। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से केसी जैन जी जो दावे कर रहे हैं कि वो वहां नहीं मौजूद थे और पुलिसिया कार्रवाई में हम किस तरह से पीछे नहीं हटने वाले हैं, कार्रवाई होगी जो लोग वहां मौजूद थे, और जो हिस्ट्री शीटर पहुंचा था वो खुद के समर्थक लेकर पहुंचा था और वो लोग थे, बीजेपी का तो कोई था ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कौन वहां था कौन नहीं था। मैंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर का बयान आज के अखबारों में पढ़ा है, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं इस नाम का व्यक्ति वहाँ मौके पर था, उसने ही सारी कार्रवाई करी है। अब या तो जैन साहब पुलिस कमिश्नर से ऊपर है या ये पुलिस कमिश्नर को इन बयानों के माध्यम से कोई आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन मौके पर था कौन नहीं था, क्या घटनाक्रम थी। अगर पुलिस की गलती थी तो पुलिस सजा मिलनी चाहिए, जो अधिकारी गलती करी हो, अगर इनकी गलती थी इनको सजा मिलनी चाहिए। कहीं निष्पक्षता रहेगी, कहीं कानून का राज रहेगा, कहीं भारतीय संविधान की रक्षा होगी, कि हर जगह सत्ता इधर की गुंडे से काम चलने वाला है। मेरा केवल सवाल ये है, अगर जैन साहब ही सबको क्लीन चिट दे देंगे तो आगे पुलिस क्या करेगी। लेकिन अमिताभ जी, नेता और जो अपराधियों की साठ गांठ है ये तो काफी लंबे अरसे से चली आ रही है। दोषी की जांच तो पुलिस करेगी, जैन साहब कर लेंगे, आखिर पुलिस को अपना काम कर दे दिया जाए, पुलिस तय करे कौन मुलजिम है कौन निर्दोष है। बिल्कुल इसमें कोई बाधा न आ रही है, चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो अपराधियों और ये जो नेताओं की साठगांठ है ये क्यों अरसों से चली आ रही है, ये चाहे आपकी पार्टी रही हो या बीजेपी की हो या फिर किसी और अन्य की हो, ये जो नेताओं और अपराधियों की साठगांठ है ये शुरुआत से चली आ रही है। अपराधी सत्ता से सटने का काम करते हैं, ये तो नेताओं का काम है कि वो समझदारी से ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें। अपराधी तो अपना लाभ लेने की सत्ता जुटने का काम करता ही है, पर जो सत्ता भी उसके साथ में लिप्त हो जाती है तब दिक्कतें पैदा होती है। जो भी सत्ता में है उसके साथ आपको सावधान रहना है, दामन बचा के आपको रखना है। ये तो हमेशा जो पकड़ा जाएगा उसी पे कार्रवाई होगी। दर्ज अगर उन्हें सत्ता में बैठा दिया जाएगा तो कैसे, वो अपराधी तो फिर नेता बन गए ना। नेता बनने के लिए चुनाव जीत के आना पड़ता है, मन से चाहने से कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं बनता, उसके लिए चुनाव जीतने पड़ते हैं, जनता के बीच में से आना पड़ता है, इसलिए वो आवे। लेकिन आज तो बात इसकी है कि पुलिस की कार्रवाई के बीच में पादा डाल के गुंडागर्दी से छोड़ा जा रहा अपराधियों को, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा संदेश जाए कम से कम किसी की इतनी हिम्मत ना पड़े कि पुलिस की कार्रवाई के बीच में अपने को फौज वकील तो जज समझने लग जाए। बिल्कुल, इतनी हिम्मत तो नहीं पड़नी चाहिए। केसी जैन जी, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संदेश आगे अच्छा जाए। देखिए, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, आपको याद होगा, और अभी भी वो जेल में है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला जब सामने आया तो किस प्रकार से सख्त कार्रवाई हुई और उनको पार्टी से भी बाहर किया गया, उनकी विधायकी भी गई, और साथ ही साथ वो भी देखा था। तो पुलिस, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ साफ सुथरी नीति ये है कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, वो पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, कहीं का भी हो। और अगर पार्टी के अंदर कोई इस तरीके का अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, जिसके खिलाफ इनाम घोषित है, उसको तत्काल पार्टी से बाहर करके एक्शन लेते हैं, उसके खिलाफ स्वतः पार्टी कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी। भदौरिया में पहले से हत्या और हत्या के प्रयास के आपराधिक मामले दर्ज है, उसके बावजूद जिला मंत्री के पद पर वो विराजमान थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कौन, किसके बारे में बता रही हैं आप? नारायण सिंह भदौरिया के ऊपर भी कई मामले दर्ज है आपराधिक। ऐसा है कि मामले अगर दर्ज हैं तो उनके मामले किस केस पे हैं, क्या उनके ऊपर इनाम घोषित है, क्या वो इनामी बदमाश है, क्या उन पर लूट और डकैती के भी मुकदमे हैं। देखिए, राजनीति में मुकदमे कायम होना अलग बात है, मुकदमे तो राजनीति में कायम होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष कायम करा देता है, लेकिन वो क्या हिस्ट्री शीटर है, क्या वो लूट और डकैती करते हैं, क्या उनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं, और अगर दर्ज भी हैं सारे मुकदमे किस कंडीशन में हैं, क्या वो बेल पे हैं, क्या वो भागे हुए भगौड़ा अपराधी हैं, तो सब चीजों में अंतर होता है। केसी जैन जी, इस पर अगर इस वक्त अगर हम बीजेपी के पाले में आकर देखें तो सबसे ज्यादा आप ही के विधायकों पर जो है वो आपराधिक मामले दर्ज है, तो ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित किया जाता है, मेरा कहने का और मेरा इस तरीके का भ्रम विपक्ष फैलाता है। लेकिन आप एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, अगर कहीं पे धरना प्रदर्शन किया जाए, कहीं पे सड़क जाम की जाए, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हो, वो
अभियान के दौरान नहीं होते हैं, वो किसी प्रदर्शन के दौरान नहीं उस पर एफआईआर होती है। वो मुझे भी मालूम है कि प्रदर्शन के दौरान हुई एफआईआर और हत्या और हत्या प्रयास में आपराधिक मामले दर्ज होना कितना अंतर है। ऐसे लोगों को क्यों टिकट दी जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए चीजों की सारे मुकदमे एक जैसे नहीं होते हैं और वो न्यायालय में मुकदमा अगर पेंडिंग है तो न्यायालय में किस कंडीशन पे है, जिन लोगों ने मुकदमा लिखाया वो कंप्लेंट के नारायण सिंह भदौरिया को सिर्फ क्या पार्टी से निलंबित किया जाएगा केसी जैन जी, या उनके ऊपर गिरफ्तारी होगी उनकी? इसके साथ ही जो राजवल्लभ पांडे और तमाम जो नेता जिनको चिन्हित किया गया है आईपीएस द्वारा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीति है उसके अंतर्गत जिस प्रकार से अपराधियों का सफाया उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्षों से लगातार हो रहा है, अगर ये लोग इसमें से दोषी पाए जाते हैं, पुलिस उसमें जांच कर रही, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बिल्कुल उसमें कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वो पार्टी के अंदर के हो या पार्टी के बाहर के हो, जिन लोगों ने भी मनोज सिंह को बचाने का प्रयास किया है उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई होगी, उसमें से शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, अमिताभ वाजपेयी जी, केसी जैन जी लगातार यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, केसी जैन जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी आपने बोला है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कितने समय तक कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कार्रवाई की बात तो हो जाती है जब वीडियो संज्ञान में आता है, वायरल होता है तो चिन्हित किया जाता है, लेकिन उसके पहले की, एक तो उनके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है, उसके बाद उन्होंने एक हिस्ट्री शीटर को भी भगाया, तो क्या उन दोनों मामलों पर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी और जो मामले, जिन मामलों की पेंडिंग होने की बात हो रही है वो मामले न्यायालय में विचाराधीन है और उनको न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, वो उसमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी का जो ताजा मामला है कि मनोज सिंह की जो गिरफ्तारी का मामला है, अगर उसमें ये दोषी पाए जाते हैं नारायण सिंह भदौरिया और प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने इनके पद से हटा दिया है और जिला मंत्री पद जो इनके पास में था उससे इनको हटा दिया गया है, पार्टीगत भी जांच हो रही है, उसी पद को जोड़ लेना, उसको फिर से बुला लेना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आपके लिए कहना आसान है, विपक्ष के लिए आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये चीजें आसान नहीं होती। आप बताइए इस तरीके से किस पार्टी में अभी तक कहां ऐसा हुआ? और पद से हटाना, निष्कासित करना, दोनों में अंतर होता है किसी जन जी। प्रश्न आ गया, जवाब भी सुन लीजिए, आपके लगातार प्रश्न आते रहते हैं, फिर हमारा जो पक्ष है और आपके जो लाखों लाख दर्शक आपके चैनल देख रहे हैं उन तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रही है, आप तो एक तरफा आपकी शोर पे आ रहे हैं, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपका जवाब सुन रहे हैं, लेकिन आप जवाब अगर उस तरह से देंगे तो हम सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन जवाब का मतलब ये होता है आपने बोला उनको पहले तो वो हाई थे ही नहीं वहां पर, फिर हमारे बैठने का और बोलने का मतलब क्या है? केसी जैन जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप बात पते की कहेंगे तो आप बोलेंगे ना? बहुत कम समय लूंगा मैं, 30 सेकंड आपका लूंगा। जी बोलिए। देखिए, जो मनोज सिंह हिस्ट्री शीटर है जिसके खिलाफ 28 से 30 मुकदमे की बात हो रही है, ये मुकदमे कायम कब हुए, किस सन में ये मुकदमे कायम हुए, क्या 30 की 30 मुकदमे विगत 4 वर्षों में कायम हो गए हैं, किस पे इनाम किस सरकार में घोषित हुआ और पिछली सरकार में गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पिछले 5 सालों तक पूर्व मोहम्मद की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो टोकना पड़ेगा ना आपको, जिला मंत्री आपके हैं, उनकी बर्थडे पार्टी में वो मौजूद था, तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे ना। आपराधिक मामले किसी भी सरकार में उस पर चढ़े हो, ऑब्वियसली 34 मुकदमे दर्ज है, तो ये नहीं होगा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से 5 सालों तक किस सरकार में पला फूला, गुंडाराज खत्म करने की बात तो आपने करी थी ना, सवाल तो इससे भी उठेगा ना, गुंडाराज खत्म करने का नारा तो आप देकर आए थे ना उत्तर प्रदेश में, पहुंच गया, इससे सवाल नहीं उठेगा, केवल सवाल इससे उठेगा वो अपराधी बना कब, और जो अपराधी वो बना उसके ऊपर 30-35 मुकदमे कायम हो गए, उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको तो जेल में होना चाहिए था। गुंडाराज खत्म करने का नारा तो आप लेकर आए थे ना केसी जैन जी, हम लेके आए हैं, हमारे सरकार में 4,000 लोगों को उन्हें स्वयं सरेंडर करके जेल में गए और 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए, जो 50-50 हजार के 1 लाख के इनामी बदमाश थे वो मारे गए हैं, और बाकी इनकाउंटर का मतलब ये नहीं किसी अपराधी को मार देना, मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में अगर अपराधी को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है सरेंडर करिए तो जेल जाएगा, अगर पुलिस पे वो जवाबी हमला करेगा, पुलिस को मारने का प्रयास करेगा, पुलिस इनकाउंटर करेगी। फिलहाल आपका पहला दायित्व बनता है कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो आपके ही सत्ताधारी नेता क्यों ना हो। पहले विश्वास हमने दिलाया अपने पहले स्टेटमेंट में
कि चाहे मनोज सिंह हो, मनोज सिंह के साथ के गुर्गे हो या नारायण सिंह के साथ के लोग हो या नारायण सिंह स्वयं हो, हमारी पार्टी के क्यों ना हो, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ पार्टी के लोगों पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन मनोज सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजेगी और उनके उन साथियों को भी कड़ा एक्शन लेकर करके जेल भेजेगी जिन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अमिताभ वाजपेयी का जो हमारे साथ जुड़े थे। तो जिस तरह से ये कानपुर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसको लेकर मनोज सिन्हा को छुड़ाने वाले जो बीजेपी के जिला मंत्री हैं नारायण भदौरिया, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी लगातार तत्पर है। और वहीं बता दें कि उन्हें जिला मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन लगातार बीजेपी का ये कहना है कि हम आड़े नहीं आएंगे पुलिसिया कार्रवाई पे। लेकिन दूसरी ओर ही वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष रखते हुए उन्होंने बोला कि उनके साथ वो थे ही नहीं, वीडियो को झुटलाया जा रहा था। लेकिन देखना अहम होगा कि इस पूरी कार्रवाई पर बीजेपी किस तरह से आगे आकर कहीं पे भी रोड़ा नहीं डालती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।